आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या होगा? ऑपरेटर्स एंड और नॉट। और ये ऑपरेटर जो है हमारे पास, मैं स्लाइड भी ओपन कर लेता हूँ। ये डे टू हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, आज है हमारा ऑपरेटर। और इन ऑपरेटर से पहले एक चीज पढ़ाऊंगा, डेटा टाइप्स, वो इसके अंदर ऐड नहीं है। index.html। और ये देखो चीजें याद रखना, एक भेजे मेरे पास जावास्क्रिप्ट की चीजें याद नहीं रखता, मैं उनको जो सवाल पूछने में छोड़ दूँ उन लोगों से, बस पढ़ा के निपटाने ही कर रहा हूँ मैं इनको, तो जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा पढ़ाऊंगा वरना छोड़ दूंगा मैं। अच्छा भाई, ऑपरेटर्स और गलती कर दी, यहाँ पर आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट करते हैं। फाइल बनाना तो आ गई होगी, फाइल बनाना तो आ गई ना इसकी, जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, ये फाइल भी बन गई है, यहाँ पे इसको जी लोग चेक कर लेते हैं क्या ये चल रही है या नहीं चल रही है। अभी कंसोल करके चेक कर रहे हैं, कंसोल में चेक करेंगे क्या ये कमेंट हो, ये मतलब काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका प्रिंट हो रहा है, मैं वो चेक कर रहा हूँ कि कंसोल हुआ है, मैं फाइल चेक कर रहा हूँ कि कनेक्ट हो गई है नहीं हुई है, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ फाइल कनेक्ट हो गई है। ये कहाँ से आए, सही है, समझ में आ गया, कनेक्ट हो गई है हमारी। ठीक है, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ होते हैं ऑपरेटर्स, सॉरी डेटा टाइप। आज जो हमारा सबसे पहला होगा वो होगा डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटली 8 टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं। कितनी? 8। ये नोट करने वाली चीज़ें, मैं नोट करते रहो इसको, जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें नोट करने वाली होंगी तकरीबन। कितनी डेटा टाइप्स हैं? 8 टाइप की, सही है, यहाँ पर लिख लेते हैं। जिसमें से 7 हमारे पास प्रिमिटिव है और 1 नॉन प्रिमिटिव है, सही है, यहाँ पर आगे लिखता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव 7 हैं और एक है नॉन प्रिमिटिव, वो हम देखते हैं 7 कौन कौन सी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग, ये याद रखने वाली चीज़ है स्ट्रिंग, ये सारी। नंबर 2 नंबर, नंबर 3 बुलियन, नंबर 4 बुलियन बुलियन, और बिगेंट बिगेंट, नंबर 5 यह आ जाएगा सैम्बल। आप तो बैठ के देख रहे हो, आप तो लिखो, तो बैग ऐसी बैठे दिखाने के लिए ना, तो बैग मतलब घर पे है कि चेक वेक नहीं करता मैं ऐसी, हाँ भाई सेंटर जाना, अच्छा बैग डाला चल मेरा निकलो, तो मतलब इतना गंदा बैग रखते हुए कोई हाथ भी नहीं लगाता उसको। अभी तो इन्हें बोला है घर पे कोई हाथ भी नहीं लगाता, मतलब इतना गंदा बैग है जो हाथ भी नहीं लगाता कोई। सही है सही है, चलो स्ट्रिंग नंबर बुलियन बिगिन सिंबल, एक है नल और एक है हमारे पास 7 पर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है, और हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो आखिरी बची है वो है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव ये 8वीं डेटा टाइप का नाम नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है, जो कि इसकी आखिरी जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। ये 8वीं टाइप ये है ऑब्जेक्ट, जूम कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। कितने टाइप है? 8 टाइप है, 7 प्रिमिटिव है, 1 नॉन प्रिमिटिव है, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब अक्सर लोगों को याद नहीं होती है, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ याद कैसे करनी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है NNSSDBU, NNSSDBU, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब ये NN का मतलब क्या है? NN का मतलब है नंबर, नल, SS का मतलब है सिंबल स्ट्रिंग, DB का मतलब है बिलियन बुगिंड, और U का मतलब है अनडिफाइंड। भाई 7 वर्ड याद कर लो, NNSSDBU।
उसको वो तो नॉन प्रिमिटिव है तो ऐसे ही आधा ऑब्जेक्ट है बस वो आखिरी है एन एन एस एस डी डी यू बस बस आपको ये पता चल जाएगा ना तो आप खुद ही दिमाग चला लोगे इससे क्या आएगा स्ट्रिंग इससे फिर एक और इससे क्या आएगा सिंबल बी का मतलब बुलियन दूसरे बी का मतलब बिगिन बिगिनिट नहीं बिगिन बिग इंट बिग इंट का मतलब है बिग बड़ा नंबर इंटीजर इंटीजर इंट का मतलब है इंटीजर और एस एस पता चल गया बीबी पता चल गया और एन एन का नंबर और नल बाकी अनडिफाइंड अच्छा भाई और जब ये जो नीचे भी टेस्ट हुए थे ना कंपटीशन उसमें डेटा टाइप के बहुत सारे सवाल थे बहुत सारे सवाल थे उसमें डेटा टाइप के शॉर्ट फॉर्म में तो क्या पढ़ेंगे वो लिख दें मैं लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म नहीं है बट ट्रिक है याद करने की एन एन एस एस बी बी यू और एक नॉन प्रिमिटिव है उसका ऑब्जेक्ट बस वो ऑब्जेक्ट है वो तो ऐसे याद हो यही है नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है 8 में डेटा टाइप तो ये 9 वाइज तो वैसे लिखे हैं क्या मैंने यार लिखे हैं ऐसे में अपनी अपने पास से बता रहा हूँ कि ये ट्रिक है ये याद करने की आप तो भले उसको वैसे ही कर लो इसको फॉलो मत करो ये तो मैंने अपने पास से बताया कि अरे भाई कंफ्यूज मत हो ये तो मैंने अपने पास से बताया है कि आप लोगों तक आसानी याद कर लो रख सकते हो इसको याद नहीं लाइन वाइज कुछ भी नहीं है इसमें आगे पीछे भी लिख दो आगे पीछे भी लिख दो मसला नहीं है 8-7 आप बता दो आपका काम हो जाएगा समझ लो अब कोई पूछे डेटा टाइप कितनी है तो आप बोलोगे 8-7 प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है समझ लो अच्छा अब इसको बताने का मकसद क्या है और इसका यूज केस क्या देखते हैं लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स पढ़े थे वेयर लेट और कंसोल लो एक और कौन सही है देख के बता रहे कॉन्स्टेंट अगर कॉन्स्टेंट हाँ ये बैंक वाला ने पता नहीं कैसे रख लिया सही है चलो स्टार्ट करते हैं लेट नाम का मैंने बताया था यूज करूंगा मैं सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया नम जिसकी वैल्यू दी है आप नाम तो कुछ भी रख सकते हो समझ लो इसका नाम कुछ भी हो सकता है बस नंबर पहले नहीं आ सकता ये याद रखना आपके वेरिएबल का नाम ये वेरिएबल का नाम है ये और हर वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करवानी होती है इक्वल टू लगा के जैसे मैं इसको डबल स्ट्रिंग में लिखूं या सिंगल कोटेशन में लिखूं या डबल कोटेशन में लिखूं या सिंगल में तो ये हमारा पास जो कुछ भी लिखा हुआ है हेलो लिखा हुआ है जैसे कुछ भी लिखा हुआ है ये सब के लिए आएगा स्ट्रिंग और डेटा टाइप का आएगा ये इसमें आएगा स्ट्रिंग है ये अब पता कैसे चलेगा स्ट्रिंग है क्या है क्या नहीं है तो यहाँ पर एक हमारा कीवर्ड आता है कीवर्ड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बिल्ट इन है वर्ड ये वर्ड ऑलरेडी इसमें यूज हो चुका है हम इसको यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर चेक करने के लिए टाइप ऑफ नाम का इसमें इनबिल्ट वर्ड है अब ये बोल रहा है किसकी टाइप ऑफ बताऊँ मैंने बोला नम वन की बोला किसकी टाइप बताऊँ ये टाइप बताने का काम करेगा कि इसकी टाइप क्या है इस लिखे हुए की जो हमने ऊपर बात करी है स्ट्रिंग बुलियन नंबर वगैरह ये वो चीज़ की बता रहा है तो यहाँ पर हम आते हैं क्या दिखा रहा टाइप समझ गया ये टाइप बताने का काम करेगा याद रखो नंबर वाले में क्या होगा अगर देखो मैं इसके अंदर नंबर भी लिख दूं तो क्या नंबर आएगी डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगी क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा हुआ है भाई ये याद रखो डबल कोटेशन में कुछ भी लिखा हुआ है सब स्ट्रिंग होगा कुछ भी हो अगर ये बगैर डबल कोटेशन के होता तो अब ये नंबर है तो देखो ना टाइप क्या दिखा रहा है नंबर तो सिंगल में वो भी सिंगल स्ट्रिंग आएगा मैंने स्ट्रिंग के बताया ना मतलब स्ट्रिंग में आप ऐसे लिख लो वैसे लिख लो सर अभी ऐसे सिंबल लिखेंगे तो वो आएगा ना सिंबल ही आएगा ऐसे अगर ऐसे ऐसे बोल लो मतलब सिंबल बनाए ऐसा तो एरर आएगा डॉलर वाला अच्छा डॉलर वाला ऐसे यहाँ पे एरर आएगा बोला डॉलर इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते नंबर ही लिख सकते हैं बाहर नंबर और स्ट्रिंग भाई जो भी कुछ लिखना है आपने डॉलर भी लिखना है तो स्ट्रिंग में लिखना है ऐसे बाहर अलाउ नहीं है ना कुछ भी लिखना प्रॉपर्टी वैल्यू कौन सी होगी प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब तो प्रॉपर्टी क्या होगी वैल्यू क्या होगी जैसे केसेस में जैसे केसेस के अंदर प्रॉपर्टी होती थी और वैल्यू होती थी उसकी सही है इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह तो कुछ भी नहीं होती है इसके अंदर दो चीजें होती हैं ये हमारे पास होती है ऑपरेंड 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 इसको क्या बोलते हैं ऑपरेंड ये
और ये दोनों कहलाएंगे ऑपरेंड। ये क्या है? ये कहलाएगा ऑपरेटर। ये क्या कहलाएगा? हाँ ऑपरेटर। हाँ तो ये ऑपरेटर ही कहलाएगा ना, आप भी तो खुद बोल रहे हो ना साइन ऑपरेटर, तो वो तो ऑपरेटर है ना। ये कहलाता है ऑपरेटर। लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट वाला दोनों कहलाएंगे ऑपरेंड, कहलाएंगे ऑपरेंड और ऑपरेटर, समझ लो इन दोनों के नाम है ये। बाकी इसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं होती है, प्रॉपर्टी होती है क्या? ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है ये, सही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी आएंगी, आगे चल के आएंगी, प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ के साथ होती है, अकेली डायरेक्टली कुछ नहीं होती है प्रॉपर्टी। अच्छा अभी हमने टाइप ऑफ चेक करी, इसकी भी चेक करेंगे, स्ट्रिंग आएगा क्यों डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पर आके अगर मैं ट्रू लिख दूँ तो टाइप इसकी आएगी बुलियन। बुलियन के अंदर हमेशा दो ही डेटा आ सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, जिसकी टाइप बुलियन होगी। यहाँ पर ट्रू लिखा मैंने, अब फॉल्स लिख लेता हूँ, टाइप इसकी भी बुलियन दिखाएगा वो। अगर मैं इसी को उठा के डबल कोटेशन में रख दूँ तो ये फॉल्स भी क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा, समझ गए। अब हमारे पास एक होता है बिगिंट। बिगिंट की बात कर लेते हैं, बिगिंट का मतलब है बिग, इंट का मतलब है इंटीजर, के बड़ा नंबर, सही है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा 1400000 ऐसे इस टाइप के नंबर आपने देखे होंगे, तो वो बिगिंट नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई बहुत बड़ा नंबर है, अब 14 नंबर से बड़ा, 14 नंबर से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके आगे एन लगाना पड़ता है कि मजीद आगे और कंटिन्यू चल रहा है ये, तो ये सारा बिगिंट टाइप आ जाती है। देख लो टाइप क्या दिखा रहा है इसकी, लेकिन टाइप किस तरह चेक कर रहा हूँ, क्या चीज़ लगाई हुई मैंने, टाइप ऑफ लगाया हुआ ना टाइप चेक करने के लिए। टाइप ऑफ इसी से टाइप पता चल रही है, अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास वो ऐसा का ऐसा ही प्रिंट करके दे देगा, वो तो हमें बता रहा है कि ये ना उसके बाद डेटा आ रहा है, समझ गए। टाइप ऑफ लिखेंगे तो ये उसको टाइप बताएगा सिर्फ ये। इसी तरह से अभी जैसे बिगिन देखा, एक होता सिंबल, ये सिंबल इसी तरह से यूज होगा, जैसे हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करेंगे ना, इसको हाथ से लिखना पड़ेगा कुछ सिंबल। ये यहाँ पर इस तरह से होता है, और इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो इसकी टाइप भी क्या आएगी, सिंबल, उसकी टाइप है, और प्रोग्रामिंग में इसी तरह से यूज़ होगा ये, समझ गए। अच्छा एक होता है नंबर, कहाँ चल गया, एक होता है अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब है कि इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी हुई। अगर हम इस तरह लिख के कंसोल कराएं एरर आएगा, बोलेगा नम वन बिफोर इनिशियलाइज, पहले इनिशियलाइज तो करो उसको कोई डेटा, आप ऐसे कर रहे हो तो अब इसको कोई डेटा इनिशियलाइज ही नहीं करा रहे हैं, बस नाम बना के वेरिएबल बना के छोड़ दिया नाम देकर, तो ये इसकी टाइप आएगी अनडिफाइन, बोले इसकी कोई डेटा आपने असाइन ही नहीं करा हुआ इसको, ये होती है टाइप अनडिफाइन। एक होती है नल। नल के ऊपर तो खैर, नल की अगर डेटा टाइप चेक करें नल लिख कर, तो हमारे पास आएगी ऑब्जेक्ट। ये अक्सर लोग इसको पता नहीं होता लोगों को, सही है। ये वो नॉन प्रिमिटिव वाला ये नहीं है, ये सुनो, सुन तो लो, ये नॉन प्रिमिटिव वाला ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, बस ये इसकी असल में डेटा टाइप नल ही है, बट दिखाता है लेकिन कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, खाली है, सही है। असल में इसकी जो डेटा टाइप है ना नल बोलते हैं, लेकिन नल दिखाता नहीं है, तो नल आपने बतानी है, जो भी पूछे नल डेटा टाइप बतानी है कि नल डेटा टाइप है, लेकिन हम चेक नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं चेक कर सकते? नल का मतलब है खाली है, खाली। जब कोई चीज खाली है तो किसकी टाइप चेक कराएगा वो, मतलब एक कंटेनर है लेकिन उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ नहीं, पड़ा नहीं है, खाली है, एम्प्टी है, ऐसे ही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर नल की जो है हम टाइप नहीं चेक कर सकते, वो अगर चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट दिखाएगा बस वो, सही है। हाँ तो अब हम एरे की टाइप चेक करें। एरे क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट जो भी लगा हुआ होगा ये एरे। अब ये एरे है क्या, इसको छोड़ दो। अब हमने सात प्रिमिटिव तो देख रही है, नॉन प्रिमिटिव वाली देख रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ऑब्जेक्ट और एक आता है एरे। नॉन प्रिमिटिव में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एरे, एक आता है ऑब्जेक्ट। और एरे की जो डेटा टाइप आती है वो क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। ये एरे की जो टाइप आती है क्या आती है? ऑब्जेक्ट होती है एरे की भी। लेकिन अब ये एरे क्या है इसमें मत पढ़ो, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको एरे क्या है। अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएं, ये ऑब्जेक्ट के साइन होते हैं। अभी आप लोगों को ये कंफ्यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ये क्या ऑब्जेक्ट, इसको भी छोड़ दो। तो टाइप चेक करा रहा हूँ, टाइप इसकी भी ऑब्जेक्ट है, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है, समझ गए। यहाँ तक कोई सवाल है?
नॉन प्रिमिटिव में एक ही है जिसकी टाइप होती है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीजें हैं जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट ही आती है, जो कि एक एरे है और एक ऑब्जेक्ट है। दो चीजें हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जिसकी दोनों टाइप सेम ही है। असल में ऐसा है क्यों, एरे जो है ना हमारे पास, एरे का भी आपने नाम सुना हो, शायद पढ़ा भी हो, एरे के पीछे भी ऑब्जेक्ट ही चल रहा होता है, बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट ही चल रहा होता है, इसलिए उसकी टाइप भी ऑब्जेक्ट आती है। लेकिन इन दोनों का अलग अलग तरीके से यूज होता ही है, लेकिन इसके पीछे चलो ऑब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट के पीछे भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, एरे के पीछे भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसीलिए दोनों की टाइप सेम आ रही है। सही है, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये तो हमने टाइप चेक कर ली कि ये टाइप होती है, ये मसला है। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। अगर मैं पहले ऑपरेटर्स पढ़ाता ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ऑपरेटर्स वाली, तो इसलिए पहले मैंने टाइप बताई आप लोगों को। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। टोटल हमारे पास ये ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैथ में आप लोगों ने पढ़े होंगे, अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, दी वॉइड ऑपरेटर। अरे यार इतने टाइप के इसके अंदर ऑपरेटर है। हाँ ऐसी पढ़ी है आपने, बस ये तो ईजी हो जाएगी, ये तो जावास्क्रिप्ट के लिए। हाँ सी के अंदर ही आते हैं सारी चीज़ें होती हैं। सही है, समझ में आ गया। हर कॉलेज में होता है, देखो आप फ्री में पढ़ोगे तो फ्री में नहीं ऐसे ही पढ़ाता है। अगर स्कूल में आप फीस दोगे ना टाइम पे तो हर चीज़ पढ़ाएंगे आपको। क्या देखो फीस अगर 1 लाख भी आप फीस जमा नहीं करा रहे हो तो वो एक बात अलग है, मेन चीज है जमा कराना। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार कहीं पढ़ाते कहीं नहीं पढ़ाते, कहीं कोर्स में देखो एड होती है, कहीं कोर्स में एड नहीं होती है। अच्छा सही है, चलो आगे आ जाएगा, हो सकता आगे आ जाए। मैं कॉलेज से आगे आने के बाद आएगा, मतलब ये यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी में आएगा। पढ़ाओगे लेकिन बताएंगे ये बात नहीं। अच्छा छोड़ो, खैर अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नहीं याद करने के कितने होते हैं, ये याद करने के कौन कौन से होते हैं, ये याद करने की चीज़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये स्टार मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मॉड्यूलस, इसके अलावा एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट। सही है, डबल प्लस डबल माइनस। लेकिन हमारे पास इस प्लस डबल माइनस से अलावा भी दो और होते हैं, ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल से, इस पर आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये बहुत ईजी है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लेट नम वन इक्वल टू, इसको एक वैल्यू असाइन कर दी 10। सही है, एक और वेरिएबल लिया लेट नम टू इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, ये वेरिएबल इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि इसका काम ये होगा कि मुझे आंसर बताएगा, समझ रहे हो, वेरिएबल का काम क्या होगा, ये मुझे आंसर बताएगा। मैं बोल रहा हूँ जो नम वन आ रहा है, नम वन में क्या डेटा आ रहा है, 10 आ रहा है, मैंने बोला उस इस नम वन के साथ प्लस कर दो किसको, नम टू को। यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज करा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस वाला, ठीक है। और अब मैं लॉक कराऊंगा किसको, एनएस को, क्योंकि आंसर तो इसी के पास आ रहा होगा ना, जो भी आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ये मुझे कंसोल करा के दिखा देगा, तो आंसर क्या दिखाएगा बाहर, 30। और ये जो 30 आ रहा है, ये नंबर का 30 है, स्ट्रिंग का 30 है, नंबर का 30 है, ये स्ट्रिंग का 30 नहीं है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग के अंदर ही जी। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई सवाल है, सही है। इसी को कॉपी करते हैं, इसी को माइनस कर देते हैं, इसको अलग अलग कर लूंगा ना ताकि आप लोगों के जहन में रहिए, वरना हो सकता है माइनस पे भी अटक जाओगे आप लोग। अब लगा दिया माइनस, मैं बोल रहा हूँ 10 में से 20 गए तो उल्टा माइनस का 10 आ जाएगा। सही है, सबके नंबर है भाई, इसको लगा देंगे मल्टीप्लाई के 10 को 20 दफा पढ़ो
तेरे 200 आ जाएगा। ये हो गया डिवाइड, डिवाइड के अंदर उसका डिवाइड करके बता रहा है 0.5। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस, ये थोड़ा सा टिपिकल है। मॉड्यूलस क्या होता है, आप लोगों ने मैथ अगर पढ़ी होगी तो उसके अंदर रिमाइंडर पता है क्या होता है, आइडेंटिफायर के लिए यूज होता है ना ये तो। रिमाइंडर, रिमाइंडर ये बताओ पहले, रिमाइंडर पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट पढ़ा है, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट अगर थोड़ी सी मैथ कच्ची है फिर मसला हो जाएगा। ये वाले ये जो आपने देख रहे हो इमेजेस नजर आ रही हैं, ये वाले रिमाइंडर जो होते हैं जी, नहीं इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। होता क्या है, हमारे पास मार्कर है ना, ये मेरे पास इक्वेशन है ठीक है, यहाँ पर है समझ लो 5, अंदर है 7, मैंने बोला 5 × 5 क्या बचा 2, ये कहलाता है रिमाइंडर, समझ रहे हो, ये रिमाइंडर कहलाता है। ये तो ये जो लास्ट में जो 2 आ रहा है ये कहलाता है रिमाइंडर। वो छोड़ दो, क्वेश्चन है, मोशन है, सब छोड़ दो, समझ रहे हो, इस पे फोकस करो कि ये रिमाइंडर कहलाता है, जावास्क्रिप्ट में इसी का यूज है बस। तो इसको जावास्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, रिमाइंडर बोल रहा है ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अगर हम इसको यहाँ पर भी ऐसा कर लें 5 कर लें, 7 कर लें, तो इसका रिमाइंडर आ रहा 5, इसको बल्कि 7 करते हैं और नीचे वाले 5 करते हैं, कि 5 को अंदर रखो, 7 को अंदर रखो, 5 को बाहर रखो, तो इसका रिमाइंडर क्या दिखा रहा है, 2, समझ रहे हो, ये रिमाइंडर है, ये ऊपर की वैल्यू की वो अंदर हो, जो ऊपर की, हाँ लेकिन ये यूज कम होता है, लेकिन कई लॉजिक्स ऐसी आ जाती है जहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी, कई लॉजिक ऐसी आ जाएगी जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यूज कम होता है ये रिमाइंडर आ रहा। तो ये हमने अभी तक अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, और अभी तक हमने ऐसे ऑपरेटर पढ़े जिसको एक के साथ दूसरे वेरिएबल की भी जरूरत थी, जैसे कि नंबर 1 के साथ नंबर 2 की जरूरत थी, लेकिन ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ऐसा ऑपरेटर है भाई जिसको दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काम कर लेगा, वो अकेला सब पे भारी है। इसमें काम कैसे होगा, आपका जो वेरिएबल है जैसे नम 1 है, इससे पहले 2 दफा प्लस प्लस लगा दो, इस प्लस प्लस का मतलब है कि एक नंबर इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दो, 11 हो जाएगा, समझ गए। अगर मैं लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊं और जो बोलूं ns, उसके अंदर प्लस प्लस कर दो और रिजल्ट को प्लस कराऊं, तो आंसर क्या आएगा, 12। हाँ भाई सही बताया है, इसमें कैसे होगा 12, आपने ये आंसर तो पूछा सही है, क्योंकि आंसर में 11 आ रहे थे, सही से वैसे यहाँ पे 12 आ जाएगा। भाई ये तो वेरिएबल का नाम है, रेस का मतलब है मैंने रिजल्ट लिखना चाह रहा था, ये तो आप तो कुछ भी लिख सकते हो ना, ये तो कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, वेरिएबल का नाम ये मत पूछो कि रेस क्या है, ये तो वेरिएबल का नाम है, क्यों कन्फ्यूज हो रहा, बता तो दिया वेरिएबल का नाम है ये। अच्छा ये होता हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है डिक्रीमेंट, लेकिन इसके अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट प्री प्री डिक्रीमेंट, समझ रहे हो। अब ये होते क्या है, दोनों में प्लस प्लस लगेंगे, बट फर्क क्या है थोड़ा सा, कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले, पोस्ट का मतलब पोस्ट होता है बाद, ये बाद में, पोस्ट वाले में ये जो प्लस प्लस पहले लगाए ना ये लगेंगे इसके बाद में, वो पहले नहीं लगेंगे, जहाँ पे पहले लगे हुए नजर आए इसका मतलब है प्री इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, ये प्री इंक्रीमेंट यूज करा अभी हमने, पोस्ट में, हाँ जैसे मैं यहाँ पर आके स्क्वाड आया, अब मैं डिक्रीमेंट का यूज कर रहा हूँ, कौन से, प्री डिक्रीमेंट का, कि पहले लगाया माइनस, तो अब ये क्या करता है, माइनस माइनस का मतलब है एक माइनस करेगा, अगर वो प्लस प्लस एक बढ़ा रहा था तो ये माइनस करेगा, नौ हो जाएगा, तो यहाँ पे सही है, सही। अच्छा भाई ये भी हो गया, इसको कॉपी करते हैं, अब देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें और उसमें क्या फर्क है, बाद में लगेगा, तो अब आंसर क्या आएगा, आंसर
ग्यारह आएगा। आपने तो पहले पढ़ी है, आप तो सही दो कम से कम। पढ़ी नहीं है जावा की, नहीं पढ़ी अगर जवाब दो ना। बेसिक क्या है, पूरी पढ़ के काम कर रहा है इसने। नौ गांव से आ गया, दस आएगा। अच्छा अच्छा सही सही। हाँ उसके बाद क्या बात, क्या बात है, ये बात कोई नहीं। वो तो आगे आ रहा था ना। हाँ आगे तो, आगे तो प्लस हो रहा था, पीछे कैसे होगा प्लस? उसके बाद फिर क्या बोलना चाह रहे हो? पानी ठेली मारो। नहीं नहीं सोच रहा, दिमाग लगा रहा, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कर नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम के अंदर जब इसको प्रिंट कराते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं करके देता। क्या मतलब? जब मैं फर्स्ट टाइम में इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू प्रिंट करके नहीं देगा, ये सेकेंड टाइम पे वैल्यू प्रिंट करके देता है। मतलब जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे एन एस लिखा, सही है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था तो एन एस को प्रिंट कराया फर्स्ट टाइम में, इसने आंसर दे दिया था, ऐसा ही है ना। ये ऐसा नहीं है, ये बोलता मुझे एक और बार लिखो फिर मैं प्रेस करके दूंगा। मतलब एक दफा और मुझे कंसोल कराओ उसके एक दफा और कंसोल कराओ उसके बाद मैं आपको लिख के दूंगा। मतलब जैसे कि ये नंबर वन एक दफा लिख लिया, सही है, और मैंने इसमें इंक्रीमेंट करवाया, उसने नहीं करके दिया, सही है। अब ये बोल रहा है कि नंबर वन को आप एक और बार लिखो और उसमें प्लस प्लस कराओ, फिर लिखकर मैं फिर बढ़ा कर दूंगा, यानी कि दो दफा लिखना पड़ेगा, जरूरी है। अब देखो ये 11 कैसे देगा, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। हो गया 11, वो पहली दफा में नहीं चला, उसके लिए मुझे एक और दफा यहाँ पर काम करना पड़ा और इसको कंसोल कराना पड़ा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। जब लूप पढ़ेंगे ना, लूप्स के अंदर ये लगेगा, ये लूप्स के अंदर लगेगा, इसको फिलहाल छोड़ दो। पोस्ट इंक्रीमेंट ये वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के अलावा और कहीं यूज होता भी नहीं है, समझ रहे हो? जहाँ भी यूज होगा हमेशा पहले लगकर यूज होगा, यूज होगा बट पहले लगकर यूज होगा, मतलब प्री वाला यूज होगा, प्री वाला यूज होगा, पोस्ट वाला सिर्फ लूप्स के अंदर यूज होगा ये। तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ही इसी तरह से डिक्रीमेंट में भी यही होता है। अच्छा ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा, इसमें कैसे कोई सवाल है अर्थमेटिक के अंदर? आप लोग प्लस माइनस करना नहीं आता क्या? आता है ना, तो बस यहाँ पे इसको घर पे आके देख लेना, वही करके दिखा रहा। नंबर लिया 10, नंबर 2 लिया 2, इसके अंदर रिजल्ट को इन्होंने 0 करा, फिर इस तरह से प्लस करवा रहे हैं इसको, तो ये आंसर यहाँ पे बता रहा है कि ये आंसर आएगा। इसको घर पे एक एक करके चेक करना, समझ में आ जाएगा। अब है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल का मतलब है कि ये एक के साथ रिलेशन बनाएगा दूसरे का, रिलेशन चेक करेगा ये, सही है। कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो रिलेशनल ऑपरेटर है, एक होता है ग्रेटर देन, नाम यहाँ पर आ रहे हैं, एक आ रहा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आ रहा इक्वलिटी, ये आ रहा नॉट इक्वल, सही है। इसको चेक करते हैं, सबसे पहले लेट यहाँ पे लिखा नम वन, ऐसे कर लेते हैं, अब यहाँ बोल रहा हूँ कि चेक करो नम वन जो है ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, क्या नम वन बड़ा है नम टू से? मतलब के हम इससे सवाल कर रहे हैं क्या नम वन बड़ा है नम टू से, ये हमें आंसर में हाँ या ना में जवाब देगा, मतलब के ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा, बुलियन में, बुलियन में जवाब देगा। अगर बड़ा है क्या, अगर नम वन बड़ा है नम टू से तो बोलेगा ट्रू, वरना तो क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। अभी क्या बोल रहा है? फॉल्स। ऐसा क्यों बोल रहा है फॉल्स? क्योंकि नम वन जो है छोटा है नम टू से, मतलब कि नम वन के पास वैल्यू 10 है, नम टू के पास 20 है, समझ रहे हो? तो नम वन जो है छोटा है 20 से, और हम बोल रहे हैं उससे बता पूछ रहे हैं कि क्या नम वन बड़ा है नम टू से, इस तरह पूछ रहे हैं। इसको कॉपी करा कंट्रोल वी। अब मैं छोटे के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या नम वन छोटा है नम टू से? तो छोटा तो है वो, तो आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा, सही है। इसको कमेंट करते हैं। अब एल ग्रेटर देन इक्वल टू, इस इक्वल टू का मतलब क्या है? क्या चेक करो क्या नम वन जो है नम टू के बराबर है या बड़ा है, मतलब अगर बड़ा है
या बराबर है तो आप दे दो, बताइए दोनों चीजें चेक कर रहा है इक्वल और इसका बड़ा वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। अच्छा इसको समझ में नहीं आ रहा, चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है क्या आया है? चलो बताओ क्या आया है। बराबर है, देखो अभी क्या दे रहा है, क्योंकि उससे बड़ा हम बोल रहे हैं नम वन जो है बड़ा है नम टू से, जो कि नहीं है, सही है। तो वो बोल रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, सही है। तो हमने जैसे उससे पूछ रहे हैं कि नम वन बड़ा है या नम टू से, वो बोल रहा है नहीं गलत है, बोला बड़ा है वो, तो वो बड़ा तो नहीं, बड़ा मतलब कि नम टू बड़ा है, सही है। क्या बड़ा नहीं है मतलब, हाँ अगर मैं यहाँ पर इसको टेन लगा दूँ अब वो बराबर तो है, तब वो ट्रू देगा, बोला एक कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब बराबर तो है, मतलब बड़ा नहीं है नहीं, बराबर तो है कि नम वन जो है नम टू के बड़ा तो नहीं है बट बड़ा है वो बराबर है, मतलब बराबर है बड़ा नहीं, आपने कंफ्यूज कर दिया, सही है। तो इसको कमेंट कर लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो अब ये बोल रहा है कि नम वन छोटा है नम टू से, जबकि छोटा है, सही है छोटा है, तो बोल रहा है ट्रू है कि छोटा तो है ना भाई, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा भी तो है ना, छोटा तो है, एक कंडीशन सही होगी तो ट्रू दे देगा, अगर दोनों ही गलत होंगे तो फॉल्स देगा। अभी तो बता रहा हूँ ट्रू दे देगा, तो भाई एक सही है और एक गलत है, अगर एक सही भी है तो ट्रू देगा, तो गलत तरीका नहीं दे रहा ना, तो स्विंग ये बढ़ रहा है ऐसे पानी थी नहीं, ठंडा करो गर्मी में आया ये बंदा सही है। बट असल में आपने हमने आप लोगों को पहचान लिया, आप इसी काबिल हो इसको हर किसी ने पहचान लिया, जोक से भी निकाल दिया अच्छी वजह से, कॉस्मेटिक की दुकान से सही है। यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा लिया, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है क्या नम वन जो है नम टू के बराबर है, इसमें ना बड़ा ना छोटा कुछ नहीं, बोला बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तो ट्रू दूंगा वरना तो फॉल्स दूंगा, तो यहाँ पे फॉल्स देगा क्योंकि बराबर ही नहीं है वो, तो ये भी बस इक्वल का काम कर रहा है, हाँ इक्वल का काम कर रहा है। अच्छा अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करता हूँ इसके अंदर, अब क्या आएगा, अब तो टाइप ही अलग है, अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन तो जब आएगा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ तो वैल्यू तो मिल रही है ना, हाँ भाई हीरो दूसरी गोश्त पियो ताकि ताकत आ दिमाग चले, फॉल कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है भाई इसमें बताओ, आ सकता है ना, हाँ आप फॉल से आएगा, आपने तो पढ़ी है यार, क्या कर रहे हो मुस्तकबिल तारीख कर रहे हो, इतने कल में क्या कर रहे हो, हाँ ये दो बंदे एक टेक से आए अभी तक तो नाम ही खराब करा है इन लोगों ने, अब तो नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा क्या ट्रू आएगा इसके अंदर, ट्रू क्यों आया, इसने डेटा टाइप चेक नहीं करी है कि स्ट्रिंग है या नंबर है, इसने सिर्फ अंदर का डेटा चेक करा है, अगर दोनों डेटा सेम है तो वो हमें ट्रू फॉल्स में जवाब दे रहा है। अगर जैसे मैं 20 कर दूं, अभी वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, अंदर का सिर्फ नंबर चेक कर रहा है वो, तो वो अब गलत दिखा देगा, उसको डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है। देखो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये चीज़ जो आप चाह रहे हो ना, आप जो सोच रहे हो कि इसको गलत देना चाहिए था, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अभी पढ़ रहे हैं हम उसको, समझ में आ गया। ये डबल इक्वल टू वाला सिर्फ क्या कर रहा है, डेटा चेक कर रहा है, टाइप चेक नहीं कर रहा, वो टेन इक्वल टू वाला वो चेक करेगा वो। मैं यहाँ पर आया इसको कमेंट करा कंट्रोल जेड कंट्रोल वी, अब एक होता ट्रिपल इक्वल टू, अभी वो डबल था, अब एक और आ गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये टाइप भी चेक करेगा और डेटा भी चेक करेगा, ये टाइप के साथ डेटा भी चेक करेगा कि हम ये बोल रहे हैं कि नम वन जो है बराबर है नम टू के, बराबर तो है, अब बराबर है नहीं है, बराबर है लेकिन तो आंसर वो टाइप सही नहीं है, टाइप अलग अलग है, आप अभी तो बताया आपने, सही बोल रहा। अच्छा ये ट्रिपल इक्वल टू क्या कर रहा है, टाइप भी चेक कर रहा है, डेटा तो बराबर है बट टाइप सेम नहीं है, तो वो फॉल्स देगा, बोला टाइप तो सेम नहीं है ना इसकी,
वो डबल वाला क्या बोल रहा था, सिर्फ डेटा सेम होना चाहिए, टाइप से कोई मतलब नहीं है इसका, टाइप और डेटा से दोनों से मतलब है इसको। तो यहाँ पर अगर हम आके इसको हटा दें तो दे देगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा चलो चार नहीं होता, अगर मैं दोनों ही टाइम इसको स्ट्रिंग कर दूँ तो अब क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? सही है। अरे वाह तुक्के मार रहा है भाई, वाह भाई जूसी गोश असर कर रहा है लग रहा है। सही है। एक होता है नॉट इक्वल टू, एक क्या होता है नॉट इक्वल्स टू। जैसे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नम वन है नम टू के बराबर नहीं है, ट्रू है, बराबर नहीं है। तो मैं सही बता रहा हूँ ना कि भाई नम वन जो है नम टू के बराबर नहीं है। इस नॉट इक्वल का टू का मतलब है कि बराबर नहीं है, ट्रू है, ट्रू है। ये मैंने सही बोला, समझ रहे हो? और मैं यहाँ पर अगर इसको 10 कर दूँ और अब मैं बोल रहा हूँ कि नम वन जो है नम टू के बराबर नहीं है, जबकि बराबर है वो, तो बोल रहा आप गलत बोल रहे हो, फॉल्स है। समझ गए इस बात को? अच्छा जी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में कंफ्यूज होते नजर आ रहे होंगे। सही है, इसी को हटाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अब एक होता है यहाँ पर टाइप के साथ भी। अच्छा अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? अभी अभी आएगा, अभी अभी नहीं बता रहा। हाँ नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। 10 अभी आएगा ट्रू। इसने बताया टाइप देख रहा ना, टाइप देख नहीं रहा, नॉट इक्वल टू है। आधा बताओ क्या आएगा, क्या 10 10 के नॉट इक्वल टू है, ये आएगा फॉल्स। फॉल्स 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 टाइप नहीं देख रहा ना, फॉल्स है, फॉल्स है। सही है। अरे वाह भाई वाह, किसी के लिए तालियां मजे नहीं मजे, इसके लिए जरूर बजनी चाहिए मतलब बोलना। सही है। यहाँ पर मैं आया, अब ये जो है ये टाइप भी चेक कर रहा है, समझ लो नॉट इक्वल के आगे दो दफा इक्वल टू टाइप भी चेक कर रहा है। अब क्या आएगा, अभी फॉल्स आएगा। सही है। अब क्या आएगा, अभी आएगा ट्रू। अभी तो टाइप सोचो सोचो, इसमें दिमाग का काम है, प्योर ट्रू आएगा। चलो हाँ हाँ, आपका डन कर दिया मैंने, आ गया दूसरे को तो सोचने में, प्योर दिमाग चलेगा, ट्रू आएगा। देखो हम थ्री इक्वल लगा के ना, नसवार लगा के हैं हम, थ्री इक्वल लगा के उसको टेस्ट चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी टाइप चेक कर रहे हैं और ट्रू आएगा। अंकल बताने लो भाई, हाँ आप लोगों को क्या लगता है, ट्रू है? कोई वजह टाइप तो देख रहा है ना, टाइप देख रहा है ऊपर वाला, टाइप नहीं देख रहा है ऊपर वाला, डेटा नहीं देख रहा। नहीं वो दो इक्वल हमारे पास क्या करने थे भाई, ये हो गया टाइप तो सही, दो इक्वल हमारे पास डेटा चेक कर रहा, टाइप चेक नहीं कर रहा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे दो इक्वल और एक नॉट इक्वल भी थे साथ में, मतलब ये टाइप भी चेक कर रहा है, ये वाला टाइप चेक नहीं कर रहा, सिर्फ डेटा चेक कर रहा है। ऊपर वाले जो हमने पढ़ा उसको छोड़ दो, मतलब छोड़ना है मतलब ये है कि उसका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, ये मतलब है कहने का। हाँ बताओ, आप भी बोल लो, हाँ ट्रू बोल लो, क्या बोल लो, जो भी बोल लो बोल दो। अब ये भी कंफ्यूज हो गया, अब ये भी कंफ्यूज हो गया, ट्रू आएगा सर, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। सही है। ट्रू इसलिए आया कि हमने बोला कि नम वन जो है नम टू के बराबर नहीं है, तो भाई बराबर नहीं है ना, क्योंकि टाइप इसके अलग है उसके अलग है। सही तो बोल रहे हैं कि बराबर नहीं है तो इसमें कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो? हम क्या बोल रहे हैं, नम वन जो है नम टू के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, तो आगे टाइप ही अलग है, डेटा तो सेम है बट टाइप सेम नहीं है ना। तो सही तो बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं ट्रू बोल रहे हो आप। यहाँ पर अगर मैं आकर इसको जो है डेटा टाइप हटा दूँ, अब ऐसा हो गया कि मैं बोल रहा हूँ नम वन जो है नम टू के बराबर नहीं है, तो अब तो मैं गलत बोल रहा हूँ, बराबर है ना, दोनों की टाइप भी सेम है, डेटा भी सेम है, बराबर है दोनों आपस में एक दूसरे के, तो बोला आप गलत बोल रहे हो, तो अब वो फॉल्स बोला, बोला आप गलत बोल रहे हो, समझ गए?
ये थोड़ी देर के लिए समझोगे, घर पे आ गए भूल जाओगे ये हुआ क्या था इसका। हाँ क्या तेगा घर 7 घंटे कर रहे प्रैक्टिस करते हैं नहीं बात। आपने बोला था ना। हाँ सही है। एक होता है यहाँ पर नॉट इक्वल टू बन लिया, डबल इक्वल टू बन लिया, यहाँ पर ट्रिपल नहीं है सही है, और डबल इक्वल टू वाला भी नहीं है। दोनों का मतलब ये है कि ये वाला जो है ना, ये टाइप और डेल्टा दोनों चेक करेगा दो इक्वल, ये वाला हाँ दो इक्वल वाला, ये वाला जो है हमारा ये डेटा चेक करेगा। अगर इसके साथ हमने जैसे आपने दूसरा इक्वल लगवा दिया ना, तो फिर ये दोनों ही कंसीडर हो जाएंगे, ये दोनों ही होगा। हाँ वर्क कर देंगे। हाँ हाँ बेसिक में कंसीडर। और ये वाले जो है ये टाइप और डेटा दोनों चेक करेगा, ये वाला डेटा ही चेक करेगा, टाइप चेक नहीं करेगा। सर ये तीन वाले को, दो वाले को क्या बोलते हैं? डबल इक्वल टू, जैसे सिंगल को तो असाइन इक्वालिटी इक्वालिटी। हाँ क्या बोल रहे हो आप बोलो तो इसके नीचे इंग्लिश में लिख दो थोड़ा सा क्या, या अभी तो बोल ले वीडियो देखूंगा फायदा क्या लिखने का। कोड आप तो कोड तो देखते भी नहीं है ना, फायदा नहीं है ना इसी में, ये भी तो है ना, लिख के करूंगा क्या। सही है, आगे चलते हैं बल्कि आज के लिए इतने रख लेते हैं, ऐसा नहीं चक्कर आ जाए। सही है ना। हाँ प्रैक्टिस करो, छापो इसको, आधा घंटा रहिए वैसे भी बहुत है।